अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कहाँ जा रही हैं, क्या मसला हुआ? मैंने सुबह फैसलाबाद जाना था, तो मैंने गाड़ी लेडीज को पूछा अभी कितने बजे गाड़ी जाएगी, तो क्या वो ना सुनती नहीं, वो आपस में बातें करती रही, फिर मैं एक पूरा घंटा खड़ी रही। किधर खड़ी रही आप? स्टेशन के अंदर ही। तो फिर मैं ना चली गई जूती लेने, फिर अब आई हूँ डेढ़ बजे की, तो उधर बैठी हूँ बैठी हूँ बैठी। अब एक वो आदमी कह रहा कि बाहर से मिली, इधर आई हूँ, इधर कह रहे नहीं, इधर कह रहे इधर से मिलेगी, कहाँ जाऊँ? सही है, आपने किसी से पूछा है? कोई सिक्योरिटी वगैरह के थे लोग अंदर? हाँ, खड़े थे लाइनों में। अच्छा, आपको कोई नहीं देख रहा, आपने किसी कोई नहीं बता रहा, और पैसे भी आपके पास? अच्छा, नाते कार्ड भी मेरे पास है, पैसे भी मेरे पास है। अच्छा ठीक है, हम आपकी मतलब परेशानी सुनते हैं, और अंदर हमारी टीम के मेंबर आपको अंदर जाके टिकट भी दिलवा देते हैं। तो मतलब क्या, सिक्योरिटी के लोग जब आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आपने किसी बड़े पूछा कि कोई यहाँ पर अफसर है बड़ा जिससे मैं बात करूं? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, लेडीज लेडी के साथ ही बात कर रही थी, मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। सही है, तो मैं अब कहाँ जाना? ठीक है, हम सुनते हैं और अंदर जाते हैं, आपका मसला हल करने की कोशिश करते हैं। कोई चेकिंग हुई है अंदर आते हुए? अच्छा, सिक्योरिटी का एक मैं बता दूँ आपको कि कल मैं कराची से यहाँ पे आया हूँ, मेरे पास साथ फैमिली थी, तीन मेंबर थे फैमिली के, एक छोटी बच्ची थी 3 साल की। तो मुझे कराची से बताया गया कि इस बच्ची का टिकट नहीं है। जब यहाँ पे हम लाहौर पहुँचे तो खाने वाल से एक सिक्योरिटी ऑफिसर साहब ऊपर चढ़े, तो वो मुझे कह रहे हैं बच्ची का टिकट दो। मेरे साथ उसकी खासी झड़प हुई, मैंने कहा यार कराची वाले बंदे ने बोला है कि इस बच्ची का टिकट नहीं है, 3 साल की बच्ची का टिकट नहीं है, और आप कह रहे हो कि मुझे टिकट दे दो। तो मैंने उसको बोला यार फिर मैं झूठा हूँ, या तो आप झूठे हो या वो झूठा है। तो वो मुझे कहता है जी अभी आपको मैं थाने बंद करवाता हूँ, ये आपने मुझे झूठा क्यों कहा भाई? तो जब मैं 20,000 दे के आ रहा हूँ फैमिली का, तो 2,000 मुझे ज़्यादा था, मैं बच्ची का पेमेंट कर देता वहाँ पर। तो इन्होंने खासा जलील किया कल यहाँ पे ट्रेन में मुझे। तो वहाँ पर मतलब कोई चेक एंड बैलेंस के लिए कोई अफसर मौजूद नहीं था? कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ यही बात है कि आपको हवाले करते हैं पुलिस के, आपको पता चल जाएगा। जब मैंने उसको 2,000 दिया कि चलो आपने 50% लेना है बच्ची का, तो उसने कहा जी नहीं आप पे जुर्माना भी हो गया, आपने 2100 और देना है। यानी अच्छा आप ये बताएं कि आप 4200 रुपये किराया दे के जा रहे हैं लाहौर से कराची का, ट्रेन के अंदर के क्या इंतजामात हैं सफाई सुथराई को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर? मेरा ख्याल है जैसे इकॉनमी क्लास है उस क्लास के लिहाज से तकरीबन ठीक है, वो गद्दे लगे हुए हैं, बाकी ना तकिए की सहूलत मौजूद है, वो देते हैं, वो भी पैसे लेते हैं, वो 100 रुपया वो तकिए का ले रहे हैं।